ओके बच्चों, तो आपने जो है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, राइट? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम गिव्स अस डेंसिटी। नाउ वी हैव अ गेम टू प्ले। हमारे पास कई सारे ब्लॉक्स होंगे, हमें लेकिन ये नहीं पता कि ये ब्लॉक्स बने किस मटेरियल से हैं। आपके सामने ये डेंसिटी टेबल है। नाउ योर जॉब इज टू कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, डिवाइड मास विद वॉल्यूम, फाइंड द डेंसिटी एंड देन कंपेयर कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। मैं अभी एक आपको बताता हूँ। मास कितना है इसका? 0.40 किलोग्राम। वॉल्यूम है इसका कितना? देखिए, जब फुल्ली सबमर्ज होता है तो 101 लीटर दिखा रहा है आपको, यानी कि एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है। तो 0.40 किलोग्राम पर लीटर, दैट इज द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब ये वुड मटेरियल से बना हुआ है ना? ये वुडन मटेरियल से बना हुआ है। तो इसी तरह से मैं अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मास आपको दिखाऊंगा, वॉल्यूम आपको दिखाऊंगा, और आपका काम होगा इसको क्विकली नोट डाउन करना, वीडियो को पॉज करना और फिर इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करके ये पता लगाना कि ये किस मटेरियल से बना है। ओके, सो आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ फन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। इन दिस केस द वॉल्यूम इज 5.50 लीटर, ध्यान दीजिएगा। लेट्स टेक अनदर सेट ऑफ ब्लॉक्स। मास 18 kg, वॉल्यूम 1.59 लीटर। लेट्स ट्राई अनदर सेट ऑफ ब्लॉक्स।
बस एक खास चीज जो मैं आप लोगों को ध्यान दिलवाना चाहूंगा, ना दिस ऑब्जेक्ट हैड अ मास ऑफ 6 kg एंड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैड अ वॉल्यूम ऑफ 1/6 liter, राइट? हम क्या इसमें नोटिस कर रहे हैं कि अगर ये थोड़े मोमेंटम के साथ गिरेगा तो सीधा नीचे डूबेगा, अदरवाइज अगर ये ऊपर में रहेगा तो बस सरफेस के पास मौजूद रहेगा, राइट? गुड. सो वेल, आई होप यू एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी एंड यू हैव आइडेंटिफाइड द मटेरियल यूज्ड इन ऑल द ब्लॉक्स. इफ यू गॉट ऑल द ब्लॉक्स करेक्ट, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट परफेक्टली वेल. ओके, बाय बाय.